5.2.1 धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम ऑफ ए राइस फॉर्म। हम जानते हैं कि अधिकतर खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही शुरू होती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक प्रोड्यूसर कहा जाता है। अध्याय जैविक क्रियाएं भाग एक में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव उपभोक्ता कंज्यूमर हैं। किसी धान के खेत में प्रमुख उत्पादक धान के पौधे ही हैं। कई प्रकार के जीव धान के खेत में पनपते हैं, जिनमें से कई खेत की मिट्टी में तो कई खेत में भरे पानी में, कई धान के पौधे पर ही पनपते हैं तो कई समय समय पर खेत में आते जाते रहते हैं। हमें यहाँ एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र नज़र आता है, आइए इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आपने धान का खेत देखा होगा, अपने अनुभव व चित्र 3 को देखकर बताएं कि धान के खेत में कौन कौन से अजैविक घटक हैं। धान के खेत के खाद्य जाल का एक उदाहरण चित्र 4 में दिया गया है। अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि अजैविक घटकों पर जीवों की क्या कोई निर्भरता है, कैसे। इस खाद्य जाल में कौन कौन सी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, कोई 5 छाट कर लिखिए। चित्र 3 में दी गई एक खाद्य श्रृंखला का विस्तृत अध्ययन करके जब 0.1 हेक्टेयर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जीवों की संख्या का पता लगाया गया तो उनके बीच का संबंध कुछ इस प्रकार मिला। 1,00,000 धान के पौधे पर 1,000 चूहे निर्भर करते हैं, 1,000 चूहे पर 50 सांप निर्भर करते हैं और 50 सांप पर 5 बाज निर्भर करते हैं। इस उदाहरण के आधार पर साथियों से चर्चा करें और लिखें कि उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से जीव उपभोक्ता हैं, एक चूहा कितने धान के पौधों पर निर्भर है, एक बाज कितने सांपों पर निर्भर है। यदि चूहों को खत्म कर दिया जाए तो इसका प्रभाव धान के पौधों पर, सांप और बाज पर किस प्रकार पड़ेगा। उपरोक्त सवाल का उत्तर खाद्य जाल को ध्यान में रखकर देने का प्रयास किया जाए तो चूहे के खत्म होने का प्रभाव गिलहरी या शाकाहारी कीटों पर किस प्रकार पड़ेगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता इतनी अधिक होती है कि खाने व खाए जाने के संबंध खाद्य श्रृंखला से नहीं बल्कि खाद्य जाल से पता लगाए जा सकते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में हम देखते हैं कि कुछ जीव पूर्ण रूप से पौधों पर तो कुछ अन्य जीवों पर निर्भर हैं, अर्थात हमें पोषण के अलग अलग स्तर नज़र आते हैं।